प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी यात्रा की शुरुआत इसी प्रयागराज के संगम से करने जा रही हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने लखनऊ में आज एक अलग चुनावी एंगल दे दिया है। सपा बसपा गठबंधन, कांग्रेस के साथ सपा बसपा गठबंधन को लेकर काफ़ी दिनों से एक कटुता की कहानी शुरू हो गई थी, जिसमें उसको फील करने के लिए, उसे भरने के लिए प्रियंका गांधी ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। जो सपा बसपा गठबंधन ने कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 2 सीटें छोड़ी थी, आज कांग्रेस ने उस सपा बसपा और RLD महागठबंधन को 7 सीटें रिटर्न के तौर पर दे दी है। अब हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा की, जो पहली बार होने जा रही है। गंगा पे सियासत खूब हुई, बातें खूब हुई। अगर आपको याद हो कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने आए थे, तो उन्होंने बोला था कि न मैं आया हूँ, न मैं बुलाया गया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब खुद प्रियंका गांधी जब इस चुनावी मैदान में उतरी हैं, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर हाथ में ली है, तो वो खुद गंगा यात्रा यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू होकर बनारस तक जा रही हैं। इस बीच वो 2 रात रास्ते में रुकेंगी। पहली रात जो उनकी होगी, यहाँ से प्रयागराज से उनकी यात्रा शुरू होगी, वो सीतामढ़ी तक जाएगी। सीतामढ़ी पे वो रात्रि विश्राम करेंगी। इस बीच कुछ जगह वो मोटर बोट से होंगी और कुछ जगह वो बाय रोड निकलेंगी। कई जगहों पे लोगों से मिलेंगी, कई जगहों पर उनका स्वागत होगा। रात में वो सीतामढ़ी में रुकने वाली हैं, उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलेंगी और मोटर बोट से चुनार तक जाएंगी। इस बीच भी कई जगह पे गंगा नदी मतलब मोटर बोट से होंगी और बाय रोड होंगी। कई जगहों पे लोगों को वहाँ ही बुलाया गया है, गाँव के किनारे जो गंगा के किनारे के इलाके हैं वहाँ पर कई जगहों पर जाने का प्रोग्राम है। सुरक्षा को देखते हुए इस चीज़ों को थोड़ा अभी बताया नहीं जा रहा है, लेकिन कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे। माने उनका जो दूसरा स्टॉपेज होगा इस यात्रा के दौरान वो चुनार होगा, उसके बाद ये पहुँचेंगे। प्रियंका गांधी का जो कारवां है वो बनारस पहुँचेगा, लाल बहादुर शास्त्री रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास जाएंगी, वहाँ पे भी लोगों से मिलेंगी, उस इलाके के लोगों से बातचीत करेंगी और फिर उसके बाद से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद वहाँ पे कार्यक्रम ख़त्म होगा। 6:30 बजे वो फिर वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगी। लेकिन इस बीच जो एक तगड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिस गंगा को लेकर इतनी राजनीति हो रही है, उस गंगा की सफाई को लेकर जो शुरुआत हुई थी, गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत हुई थी, वो राजीव गांधी ने किया था। इस बीच जब प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा निकलेगी तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की का मैसेज तो दिया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ वो ये भी दिखाने की कोशिश करेंगी कि जिस गंगा को साफ करने के लिए उनके पिता राजीव गांधी ने इतनी कोशिश की और आज भी उस गंगा में उसी तरह से नाले गिर रहे हैं, तो कई चीज़ों को दिखाया जाएगा और आसपास के इलाके के लोगों को जोड़ा जाएगा। चूँकि प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और जो ये रूट पड़ता है प्रयागराज से लेकर बनारस का, जो एक तगड़ा मैसेज कह सकते हैं, क्योंकि इसी प्रयागराज में कुंभ के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी ब्रांडिंग करने की कोशिश की, एक मैसेज देने का की कोशिश की, तैयारी की थी कि हम किस तरह से हिंदुओं के साथ हैं। तो प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं ये मोटे तौर पर दिखाई भले ही ना दे, लेकिन इसमें वो सब कुछ समाहित है। इस बीच वो चुनार में रुकेंगी, जहाँ पर वो दरगाह पर चादर भी चढ़ाएंगी। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी की जो ये गंगा यात्रा है उसमें सब कुछ दिखेगा। गंगा जो एक जो तहजीब है वो भी आपको नजर आने वाली है।